नमस्कार, जसबीर क्रिएशन चैनल में आप सब बहनों का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जे वाला जैसे हम बेबी गला बनाते हैं या लेडीज़ का गले से स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन को, तो हम फंदे कैसे बढ़ाते हैं। फंदे बढ़ाने का जे बहुत ही आसान तरीका है। जैसे जे हम शोल्डर पे रखते हैं एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर बैक का, तो ऐसे हम जैसे फंदे बढ़ाते हैं तो रेगलिंग कटिंग की तरह ही ये आता है। जैसे हम रेगलिंग कटिंग करते हैं, ऐसे हम रेगलिंग कटिंग हम नीचे शोल्डर से करते हैं या फ्रंट से करते हैं, ऐसे ऐसे जे हम ऊपर से बढ़ाते हैं। फंदे बढ़ाते आना है इधर, जैसे हमने जहाँ बटन पट्टी रखी है इधर वाले फंदे बढ़ाए, इधर वाले फोर जगह हम फंदे बढ़ाते हैं, तो इन फंदों को हमने कैसे बढ़ाना है और जे वाला डिज़ाइन कैसे डालना है वो आज हम बताने जा रहे हैं। जे हमने तीन तीन फंदों के साथ तीन तीन फंदे प्लेन लेने हैं, बीच में एक फंदा सिंपल लेना है जिसके दोनों तरफ जाली डालनी है, दो फंदे हमने फ्रंट में उल्टे लेने हैं। तो हमारे फंदे कैसे बढ़ते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, फंदे हमने डाल लिए हैं, एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। फंदे हमने 2, 4, 6, 8, 10 और 11 फंदे डाले हैं। पहले हम सिंपल सिलाई बनाएंगे क्योंकि हमने अभी फंदे डाले हैं, तो एक सिलाई हम जो बेसिक है उल्टी वो बना लेंगे। अब हम राइट साइड में हैं, राइट साइड में हमने क्या करना है, हमने दो फंदे सिंपल बुनने हैं उल्टे, एक तो फंदा उतारना है चेन के लिए, फिर अपनी तरफ करना है और उल्टा फंदा बुनना है, ठीक है। उसके बाद थ्रेड पीछे करना है, तीन फंदे सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3 थ्रेड आगे करना है, और जो एक फंदा है इस पे हमने जाली डालकर फंदा थ्रेड आगे करके फंदा बुनना है, फिर थ्रेड आगे करके तीन फंदे बुनने हैं, तो दोनों तरफ जाली डलगी, तीन फंदे बुनने हैं, 2 और 3 लास्ट में 2 उल्टे बुनने हैं। ये तो है तीन तीन फंदों के हिसाब से फंदे जो हम बढ़ाते हैं। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे, सेकंड सिलाई रॉन्ग साइड हमने बिल्कुल ही उल्टी बनानी है, इसमें हमने कोई सीधा कोई उल्टा नहीं बनाना है। जो देखिए अब हमारी थर्ड सिलाई है, थर्ड सिलाई में हमने क्या करना है, एक सीधा फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, थ्रेड पीछे किया, तीन फंदे सीधे बुने, 1, 2, 3 तीन फंदे सीधे बुनने के साथ ही हम थ्रेड आगे करके जाली डालेंगे और तीन फंदे सिंपल बुनेंगे बीच वाले, पहले एक था अब तीन बन गए, 1, 2 और 3 फंदे बढ़ गए। अब जहाँ पे फिर हम जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 अपनी तरफ थ्रेड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ठीक है। ये हमारी थर्ड सिलाई कंप्लीट होगी और जाली भी डलगी। फोर्थ सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब हमारी फिफ्थ सिलाई है, फिफ्थ सिलाई में हम फिर जहाँ एक और जाली डाल लेंगे, 2 जाली हमारी डल चुकी है, एक जाली और डालेंगे, तो थ्रेड को फंदे को सीधा उतारेंगे और अपनी तरफ थ्रेड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 ठीक है। अब जहाँ पे फिर जाली डालेंगे थ्रेड आगे करेंगे, अब बीच में हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, जाली भी डाल लेंगे और 5 फंदे सिंपल बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है। 5 फंदे सीधे हमने बुन लिए हैं, थ्रेड आगे करेंगे, अब जहाँ एक और जाली डालेंगे, 1, 2 थर्ड वाली जाली, और जाली डालते ही 3 फंदे सिंपल बुनेंगे, 2, 3 तीन फंदे सिंपल सीधे बुन लिए, थ्रेड अपनी तरफ गया और 2 फंदे उल्टे बुन लिए, ठीक है। अब हमने रॉन्ग साइड बुननी है, 6 सिलाई
तो हम पूरी उल्टी बुनेंगे। जी देखिए हमने 6 सिलाई बुनी है, 6 सिलाइयाँ, तो 3 जालियाँ डली हैं, 1 2 3। तो 3 जाली जब हमने डाल ली है, अब हम जहाँ पे फिर डिज़ाइन को चेंज करेंगे, हमने 11 फंदे डाले थे, हमारे फंदे हो गए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17। 11 से हमारे 17 फंदे हो गए हैं, 6 फंदे हमारे बड़े हैं, 1 2 3 जाली, 1 2 3 जाली, तो 6 फंदे बढ़ गए हैं। अब हम और फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे हम गले से स्टार्ट करते हैं तो जहाँ से फंदे बढ़ते हैं और डिज़ाइन भी बनता है। अब हम एक फंदा बुनेंगे, हम जहाँ पे अब डिज़ाइन को चेंज करेंगे, तो हम जो पहले वाले 3 फंदे हम सिंपल बुनते थे, इन 2 के साथ हम ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 बुन लिए उल्टे, 3 थ्रेड पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 3 फंदे सीधे बुने, थ्रेड आगे किया, एक फंदे पे जाली डाली, एक जाली इस तरफ सीधे फंदे के साथ, फिर थ्रेड आगे करेंगे, एक और जाली डल जाएगी और 3 फंदे सिंपल बुनेंगे सीधे, 1 2 3 थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, जो सीधे फंदे थे वो उल्टे बुनेंगे, ठीक है, 2 फंदे भी उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ये हमारा फिर नया डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है, जिसकी हमने फर्स्ट सिलाई 6 सिलाई जैसे बनाई थी, ऐसे ही 6 सिलाई और बनाएंगे फंदों को बढ़ाते हुए, और हर बार हम रॉन्ग साइड से उल्टा ही बुनेंगे। अब हम आगे फिर 2 सिलाइयाँ बना ली है इस डिज़ाइन से, आगे हम 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे, इन पूरे फंदों को 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 3 4 और 5 थ्रेड पीछे करेंगे, 5 फंदे उल्टे हैं, 3 फंदे सीधे हैं, 1 2 3 3 फंदे सीधे हैं, जहां हम जाली डालेंगे थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे सिंपल बुनेंगे, 3 फंदे, 3 फंदे सिंपल बुने, जहां पे हम फिर जाली डालेंगे थ्रेड आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 ठीक है। अब हम थ्रेड आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग बुनेंगे। जी देखिए 4 सिलाइयाँ हमने जहाँ पे भी बना ली है उल्टी, 2 4 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे और 3 जालियाँ डालेंगे, 1 2 एक और जाली डालेंगे, तो हम एक बार और बताते हैं, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 5 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे थ्रेड पीछे करके सीधे बुने, जाली डाली, अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे बीच वाले, 3 4 5 थ्रेड बीच में जाली डाल लेंगे और 3 फंदे सिंपल बुनेंगे, 3 5 फंदे उल्टे बुनेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो गए हैं, 17 फंदे बढ़े थे 6 सिलाइयों में, अब इन 6 सिलाइयों में हमारे फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 1 23 23 फंदे बढ़ गए हैं। अब इन्हीं 6 सिलाइयों को हम बढ़ाते हुए जाएंगे और हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा हर सिलाई में, सीधी में इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करेंगे। तो एक बार हम बता देते हैं, एक फंदा हमने बुना, 2 3 4 5 फंदे उल्टे बुने, अब हम इन 3 फंदों को उल्टे बुनेंगे साथ में, 5 फंदे जे हैं, 6 7 8 तो हमारे कितने फंदे हो गए, 8। अब 3 फंदे हम जहां जाली बंद कर देंगे, 3 जालियां जे थी 3 जे हैं, इनको बंद कर देंगे और सिंपल 3 फंदे बुनेंगे, 2 3
अब जहाँ पे फिर हम जाली डालेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, आगे हम पूरे टोटल फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन फंदे जे और पांच फंदे जे। तो ऐसे हमने फंदों को बढ़ाते जाना है और बीच बीच में डिज़ाइन बनाते जाना है, और रॉन्ग साइड जो है वो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इन्हीं तीन, जैसे तीन सिलाइयाँ, छः सिलाइयाँ हमने कंप्लीट की, फिर छः सिलाई, ऐसे छः छः सिलाई बनाते जाना है, तीन तीन जालियाँ डालनी है, जैसे हमने जहाँ पे बनाया है जी, देखिए है ना, ऐसे आपने बढ़ाते हुए आगे आगे चलते जाना है, और आपका डिज़ाइन भी बनता जाएगा साइड में, और फंदे भी बढ़ते जाएंगे। इस डिज़ाइन में आप कुछ भी बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हम वही बता रहे थे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।